मेरा नाम दिनी टीका है, मैं इटकी की हूँ और ऐसे हम काटा टोली में अपनी बड़ी बहन के पास रहते हैं। ये है मेरी बड़ी बहन और मेरे दो छोटे बच्चे हैं। मेरे दोनों बच्चे 11 साल के बाद में हुए हैं और मैं जब दो मेरे दोनों बच्चे पेट में थे तो मैं साइमन पास्टर को एक बार ये साइमन पास्टर को अपने यहाँ बहन के यहाँ बुलाई थी कि मुझे बहुत ख़राब ख़राब सपन मिलता है, मुझे मेरे ससुराल में भी बहुत तुच्छ तुच्छ करते थे हमको, एकदम हमको देख के लोग भागता था कि बांझ है बोल के। लेकिन देखिए हम ऊपर वाले को भी बहुत दुआ देते हैं और साइमन पास्टर को भी बहुत दुआ देते हैं कि जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया, घर आके भी प्रार्थना किया। और अभी मेरे दो बच्चे हैं, अभी 7 साल के दोनों बच्चे हैं, दोनों संत लोविस इंग्लिश मीडियम में दोनों पढ़ते हैं और हम लोग अपनी बड़ी बहन के पास यहाँ काटा टोली में रहते हैं। साइमन पास्टर मेरे पास गए हैं और ये ऊपर वाले की दया है, ऊपर वाले को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, भाई पास्टर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और एक गवाही है, मेरे बड़े भाई इटकी के हैं और यहाँ बड़े भाई मेरे यूपी में काम करते थे रेलवे में छपरा में, और वहाँ से जब यहाँ आए तो उसके बाद फिर रिटायर होके आए, फिर 2 साल के बाद में उनको एक बार उसको मैंने ये साइड में पेट के दहना साइड में बहुत जोर से तकलीफ हुआ और वो अकेले महसूस होने लगे अपने आप को। उनकी वाइफ भी यहाँ नहीं रहती है, रांची में रहती है और बहुत टेंशन लेने लगे और एकदम हम बोले कि एकदम तुम लोग आओ चिल्ला चिल्ला के हम लोग को बोलने लगा। और उसमें इतना बारिश हो रहा था कि हम लोग दोनों बहन जा नहीं सकते थे उसके पास। फिर हम लोग उसको किसी भी तरह पानी में रांची बुलाए, यहाँ काटा टोली बुलाए हम लोग के पास में भुइया टोली, फिर वहाँ से हम यहाँ साइमन पास्टर के यहाँ हम लेके आए उनको। एकदम चादर ढपा के आए थे और बारिश भी हो रहा था, मुझे छाता पकड़ के दोनों भाई बहन यहाँ पर आए थे और हमको भी बच्चे लोग के चलते हमको टाइम भी नहीं मिलता था, इतना हमको काम हो जाता था कि ये मेरी नतनी है, ये छोटी सी थी जिसके वजह से हमको टाइम नहीं मिलता था कि बच्चे को छोड़ के हम यहाँ पर आए। लेकिन हम दुआ में साइमन पास्टर के साथ में हमेशा कॉन्टेक्ट में हम रहते थे एकदम कि ब्रदर हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, ऐसा तकलीफ है वैसा तकलीफ है प्रार्थना कर दीजिए बोल के करते थे, ये फ़ोन में प्रार्थना कर देते थे हम लोग के लिए। और ऊपर वाले हम लोग को सही सलामत रखा है। और रही भाई की बात, जब भाई को एकदम तकलीफ होने लगा और उनके पास पैसा भी नहीं था, पेंशन पैसा सिर्फ वही 1600-1700 रुपया ही था और हमारे ससुराल के एक मेरा भैंसुर है उनका LIC जमा करना था, वो पैसा हमको 10,000 हमको दिए थे, तो मेरे पास था पैसा तो हम बोले कि तुम आ जाओ रांची, हम तुम्हारा ट्रीटमेंट कराएंगे बोल के। तो फिर उसको हम वहाँ इटकी से रांची बुलाए, किसी भी तरह एकदम ठंडा में वो आया, फिर उनको हम बरना बस में ट्रीटमेंट कराए, बरना बस में वो बोले कि फोटो सब करने के लिए बोले, पेट का फोटो सब हुआ, उसके बाद में उसको वहाँ निकल गया कि लीवर प्रॉब्लम, मैंने पूरा लीवर बताया डॉक्टर की पूरा लीवर इसका में पानी भर गया बोल के। फिर और एक डॉक्टर को दिखलाए, डॉक्टर आलोक करके हैं, आलोक एका करके हैं बरना बस के ही, तो वो बोले कि हमको नहीं लगता है कि इसका लीवर में पानी है बोल के। तो फिर हम लोग थोड़ा सा हम लोग को भी विश्वास होगा बोल के हम सलाह विचार किए कि किसके पास जाएंगे, तो कोई हमको हम लोग को बताया कि यहाँ पर चुटिया में एक डॉक्टर पॉल करके है, वो बहुत पुराने डॉक्टर है बोल के, उनके पास जाइए बोले। तो हम लोग उनके पास गए, हम लोग भाई को हम लेके गए वहाँ और गए तो फिर वो डॉक्टर को दिखलाए उसके बाद में फिर वो देखे ओके, फिर फोटो सब करने के बोले, एक बोले एक्सरे करने के लिए बोले, अल्ट्रासाउंड सब करने के लिए बोले, हम लोग वो सब कराए। तो फिर आए डॉक्टर को दिखाए तो डॉक्टर बोल रहे हैं कि इनका लीवर पूरा डैमेज हो गया है बोल के। तो हम लोग एकदम घबरा गए और जस्ट रिटायर होके आया था, तो हम लोग फिर हम डॉक्टर सर से हम भाई को बाहर में रखे और पर्सनल बात किए कि सर लीवर कैसे इसका इतना डैमेज हो गया, पूरा डैमेज हो गया बोल रहे हैं। तो डॉक्टर साहब बोले कि नहीं, इनका इतना शराब पिए हैं कि इनका पूरा लीवर ख़त्म हो गया बोल के। उसके बाद फिर हम लोग को विश्वास नहीं हो रहा है सर, डॉक्टर को हम बोले कि डॉक्टर साहब ये तो शराब पीते ही नहीं हैं, खैनी भी नहीं खाते हैं। तो डॉक्टर साहब विश्वास ही नहीं कर रहे हैं, एकदम विश्वास ही नहीं कर रहे हैं कि नहीं हम नहीं मानेंगे बोल के। तब फिर भी हम लोग सोचे कि हो सके ड्यूटी में रहता था तो चुपके पीता था होगा, लेकिन फिर भाई को पूछे तो बोला कि नहीं हम तो कभी इस सब हम हाथ भी नहीं लगाए हैं, मेरे दो भाई
बड़े बड़े दो भाई है और एक छोटे भाई है। छोटे भाई भले पीता था लेकिन वो बहुत बाद में छोड़ दिया, लेकिन दोनों बड़े भाई एकदम खैनी तक नहीं खाते, अभी भी दोनों जिंदा है मेरे दोनों भाई। तो फिर हम लोग एकदम घबरा गए, फिर हम लोग फिर 4-5 दिन हम लोग डॉक्टर के पास डेली हम लोग जाने लगी थी विश्वास दिलाने के लिए, सर हम लोग को विश्वास दिलाइए ये कैसे हम लोग मानेंगे, हम लोग ऐसे बोलकर भाई को नहीं बता रहे हैं। उसके बाद तो फिर डॉक्टर बोले कि ठीक है आप लोग को विश्वास नहीं है तो हम एक जांच और लिख रहे हैं उसको आप लोग जाँच कराइए। तो उसमें कुछ थोड़ा ज़्यादा पैसा लगा था, पैसा तो था ही मेरे पास, तुरंत हम लोग जैसा जैसा डॉक्टर जाँच बोल रहे हैं वैसा वैसा हम उसको जाँच कराने के लिए, ये मेरी बड़ी बहन का बेटा आया था उसको लेके हम साथ में जाते थे, क्योंकि वो तो इंग्लिश समझता है हम तो इंग्लिश नहीं समझते हैं, तो लेके साथ में जाते थे उनको। फिर जाँच सब कराए उसको डॉक्टर साहब डॉक्टर पॉल की एक पर्सनल स्पेशल जांच क्या चीज़ का जांच लिखे, ये जांच से उसको पता चल जाएगा कि इसका पीने का वो पिया पीता था या नहीं पीता था बोल के। फिर वही हम लोग जाँच सब कराए हम लोग, तो जांच हम लोग को मिला डॉक्टर शरण करके है जांच, वही जांच किए जांच सब दिए, तो उसके बाद फिर उसमें पता उसमें कुछ भी नहीं निकला, उसमें कुछ भी नहीं निकला। तो फिर ऊपर वाले की दया से अभी देखिए मेरा भाई अभी आज तक ठीक है और अभी आना जाना करता है, अभी उसका कम से कम उसका 68 ईयर हो रहा है उसका, और अभी तक ठीक है। और पास्टर टीका को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जिन्होंने उनके लिए लगातार प्रार्थना करते थे, भले वो वहाँ पर आ नहीं सक रहा है वो, लेकिन हम उसको ले लेके यहाँ पर आते थे, और भाई को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते थे जिन्होंने उसके लिए लगातार प्रार्थना करते थे, फोन में भी और यहाँ हम लाते थे वहाँ भी प्रार्थना करते थे, मीटिंग में भी लाते थे और हम इसने पर्सनल भी हम लेके हम आते थे, इसलिए हम इस बार बाप को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और ये नेचर प्रार्थना भवन के ग्रुप वालों को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। यहीं तक कि हम समाप्त करते हैं अपनी गवाही को। आमीन।